कब आएगी आपके सामने गुलाबो भाई, ओपन शो दिखाएंगे आपको। पीछे कोई मशीन नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, हमारे हाथ की कला है। नमस्ते मैडम को, नमस्ते सर को, नमस्ते नमस्ते। भाई आवाज़ आ रही है बढ़िया, और व्यू आ रहा होगा पीछे का बहुत सॉलिड सा। तो मैंने गोप्रो लेने का ये फ़ायदा देखा कि अपन हेलमेट पे भी लगा सकते हैं। हेलमेट से मैंने उतार दिया इसको, ठीक है, और अब मैंने हाथ को हाथ में पकड़ लिया इजली। भाई ये है ट्रेडिशनल साउंड, देख रहे हो इनका। चले भाई ऊपर, ये क्या पबजी खेल रहे हैं अंकल जी, हेलमेट पहन के। मेरे पीछे चल रही है हाथी की राइड, हाथी मेरे साथी, छोड़ना मेरा कभी साथी। और आई थिंक चल रहा है प्री वेडिंग शूट। पता है एक लीड लगाने से ना एक फ़ायदा है कान में, आपको पता नहीं चलता आप कितनी तेज़ बोल रहे हो उस चीज़ को। भाई जो बच्चे अभी मेरे को मिले थे ना, ये सारे स्कूल के जो बच्चे आए, ये सारे जज्जर हरियाणा से हैं। और तो अपना क्या है ना, हम भी इनके पड़ोसी हैं। मैंने बच्चों से बात करी थी यार, इतनी दूर से बताओ ये पिकनिक पे आए हुए हैं, देख रहे हो। अब यार ये येलो चश्मा लगा के ना मेरे को पहाड़ों की याद आ जाती है कि यार बस पहाड़ों पे बस घूमते रहो घूमते रहो। पहले वाली पुरानी वाली लुक है, नई वाली नहीं है। अभी अंदर चलते हैं, यहीं से रास्ता है शायद। तो भाई अपना पहला खर्चा साढ़ा ले ला, देख रहे हो ये 100 रुपये की टिकट है, ठीक है। और 100 में पता नहीं मैं कहाँ कहाँ एंट्री कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ नहीं। पीछे का व्यू देख रहे हो यार, पर्ची रख लेता हूँ पहले अंदर। देखो हमारा व्यू देखो यार, सॉलिड आ रहा ना ज़बरदस्त भाई, सब कुछ दिख रहा है यहाँ से तो। और अभी नीचे से आया वहीं से, अभी एक गलियाँ नज़र नहीं आ रही कि कहाँ से लेके आया भाई। यार यहीं खड़ी है क्या नहीं बाइक, बाइक तो अपनी उधर है, वहाँ से एंट्री हुई थी ना। मेरे को पीले चश्मे के अंदर ना पता भी नहीं चल रहा यार। चलो टिकट तो कट गई, अब यहाँ से चलते हैं अंदर। भाई टिकट चेक करा के अंदर आ गया हूँ। अंदर देख रहे हो बैंड वैंड सब बज रहा है, कुछ आवाज़ आ रही होगी आपको। भाई ये राजस्थानी साउंड है यहाँ पे ज़बरदस्त। और ये वॉल शायद आपको नज़र नहीं आ रही होगी, मेरे को पर पूरी आ रही है, धुंध सी लग रही है, पता नहीं बादल है कुछ तो है। और भाई रश देख रहे हो कितना बड़ा हुआ है, जहाँ मैं हूँ वहाँ रश ना हो तो कोई कह सकता है। मैं जगह ही ऐसी चूज़ करता हूँ जहाँ पर रश ही रश होता है। भाई यहाँ पे बता रहे हैं कि ना जोधा अकबर की शूटिंग नहीं हुई थी। अरे वाह भाई वाह, फिर तो हम सही जगह घूम रहे हैं, ये हमारी शूटिंग तो हम खुद ही कर रहे हैं। सॉलिड सा लग रहा है यार, कौन मैं तो सॉलिड हूँ। साथ साथ आपको भी घुमा रहा हूँ, देखो। बस यहाँ पे एक ही दिक्कत है, मतलब सोलो ट्रैवलिंग के अंदर, कि भाई फ़ोटो खींचने वाला कोई नहीं होता, बंदों को पकड़ना पड़ता है, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, तब जाके एक आधी खींचती है, लेकिन वो भी हमारी मनपसंद नहीं होती। क्लिक करवा ही लेते हैं यार, जैसे तैसे कोई ना कोई कर ही देता है। भाई भूल भुलैया में आ गया, वैसे ही मैंने येलो चश्मा पहन रखा, कुछ नज़र नहीं आ रहा, देख रहे हो क्या भैया अंदर हैं और ये सारी में। ओ भाई वो सही जगह निकले हुए भाई, मज़ा ही आ रहा है तो मतलब मैं जो यहाँ पे एंजॉय कर लेता हूँ ना अकेला, तो सबको लग रहा होगा कि अकेले अकेले क्या एंजॉय कर लेता है, लेकिन भाई बहुत ज़बरदस्त मज़ा तो फुल है। एंड पे आ गए क्या, भाई मजा आ रहा है यार, हम दोबारा दोबारा एक ही व्यू पॉइंट पे पहुंचे जा रहे हैं यार। क्या है कहाँ भूल भुलैया मेरे को लग रहा है, आ जाए घूमते घूमते हमारा पूरा टाइम निकल जाएगा।
भाई नीचे उतरने का रास्ता यही होना चाहिए, नहीं तो कितना चल रही है यार। हम इको साउंड वाउंड तो नहीं, आवाज़ गुंज रही है वहाँ पर जबरदस्त। कैसे कैसे रास्ते हैं यार, अगर ये ऐसे हमारे घर होते हैं ना, हम तो छुपन छुपाई खेलते खेलते ही टाइम बिता देते और पूरा दिन लग जाता भाई। राइट लेफ्ट भाई, ऐसी जगह जाना था जब कोई नहीं होता भाई। अपना जितना एक्सप्लोर करना था कर लिया और अब बाहर निकलते हैं यहाँ से, ठीक है, धीरे धीरे। तो लेट्स गो गाइस, अब आएगी आपके सामने गुलाबो भाई, ओपन शो दिखाएंगे आपको। पीछे कोई मशीन नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, हमारे हाथ की कला है। आपको स्पेशल दिखाया जा रहा है, पहले करेगी नमस्ते मैडम को, नमस्ते सर को, नमस्ते नमस्ते। ये देखिए तो भाई इसी के साथ यहाँ से हम निकल रहे हैं, ठीक है। वो आपको शायद दिख रहा होगा ऊपर एक छोटा सा, किधर है मेरा हाथ, ये रहा है इधर कहीं, कहाँ गया मेरा हाथ, कहाँ गया, कहाँ गया, ये एक है ये जगह, एक ये बहुत ऊपर है वो भाई। यहाँ से मैंने अभी दूरबीन से देखा था, उसका चार्ज 20 रुपये था। तो वो कह रहे थे कि राजा यहाँ से अपने महल से वहाँ से सिपाहियों को देख रहा, वहाँ पर वहाँ की मतलब हलचल वगैरह देखता रहा होगा। और भाई जब मैंने देखा ना, मुझे लगा कि ना बहुत दूर होगा, वहाँ पे एक 5 कलर का झंडा भी था जो उन्होंने मेरे को दिखाया। भाई बहुत दूर है यार, मैंने सब पूछा भाई कितना वो होगा इसका जूम एक्स, तो वो कह रहा भाई ये तो बहुत पुराना है तो हमें भी नहीं पता। लेकिन यार इतनी दूर का ना, कम से कम 3-4 किलोमीटर का, 3-4 किलोमीटर का इतना पास दिख रहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। मतलब वो बंदे हमें नहीं देख सकते और हम उनको देख सकते हैं, गजब यार। इतना अच्छा ही मतलब दूरबीन थी, सॉलिड मज़ा ही आ गया यार उसको देख के तो। और अगर अपने पास ऐसा हो तो एक दूसरे के घर में ही जाग ताक जाग करते रहेंगे ऐसे करके। तो भाई देख रहे हो अब यहाँ से हमारा एक्सीट हो रहा है, अब क्या करूँगा ना, और अपनी पहले बाइक के पास जाता हूँ कि बाइक का क्या हाल चाल है, ठीक है। टाइम अपने पास अभी है 2-3 घंटे भी हैं अपने पास, अभी लंच भी करना है अपने को और उसके बाद ही कुछ देखेंगे यहाँ पे। अभी जिस हिसाब से अपने पास टाइम है ना, मैं सोच रहा हूँ कि जयगढ़ भी हो जाए, 50 रुपये की टिकट है वहाँ पे, और नाहरगढ़ हाँ उसकी 150 रुपये की टिकट है, और ये अंबेर अमेर पैलेस की 100 रुपये टिकट है, और बाइक पार्किंग 10 रुपये। तो अभी कैमरा लगाता हूँ हेलमेट के ऊपर, बहुत देर हो गया ना हेलमेट पकड़े पकड़े, देख रहे हो, लगाते हैं कैमरा और उसके बाद यहाँ से होते थोड़ा सा फुट। अरे भाई मेरे गाड़ी ठोक देगी, चलो